ना आटा ना मैदा ना सूजी ना और कोई फ्लार, हम आज बनाने वाले हैं एक स्पेशल टेस्टी डिलीशियस पूड़ी। वो भी पालक के साथ में, हेल्दी होगा और बहुत ही टेस्टी चटपटा सा होगा और बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बने रहिए वीडियो में और बनाइए हमारे साथ ये चटपटी पूड़ियां चाय के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो नाश्ते के रूप में आप दे सकते हैं ये स्पेशल पूड़ी। ये पूड़ियां इतनी स्वादिष्ट है कि क्या ही कहें, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पूड़ियां, इतनी डिलीशियस है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और बनाइए ये टेस्टी डिलीशियस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। स्पेशल पूड़ियां। तो यहाँ पे एक बंच हमने ले लिया है पालक और ये पालकों को पहले अच्छे से कट किया और इसे अच्छे से धो लिया। बहुत अच्छे से धोना है इसको, अच्छे से साफ करें इसको पानी में अच्छे से दो तीन बार, क्योंकि पालक में मिट्टी होती है। पालक बहुत हेल्दी है तो इसे जहां भी यूज करेंगे बहुत फायदेमंद होगी। यहाँ पानी गर्म कर रहे हैं हम, पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें ब्लांच करना है पालक को 2 से 3 मिनट। बस 2 से 3 मिनट हमें इसे गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालना है, उसके बाद ठंडे पानी में निकाल लेना है। फ्लेम हमने हाई रखा है, ब्लांच करने से कलर बहुत अच्छा आता है, देखिए कलर इंटैक्ट हो जाता है। तो इसे ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में यानी बर्फ वाले पानी में डाल देते हैं, ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे इसकी प्योरी। तो पालक की प्योरी हम रेडी कर लेते हैं। चलिए जल्दी से, एक बंच हमने पालक लिया है जो कि पर्याप्त है हम जितना बनाना चाहते हैं उसके लिए। तो देखिए हम पालक को अच्छे से ठंडे पानी में ठंडा कर लेते हैं और अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। तो इसको मिक्सर जार में ले लेते हैं, पानी को ड्रेन कर दें, पानी ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो इसको जार में ले लेते हैं और उसके बाद इसको करेंगे हम ग्राइंड और बनाएंगे प्योरी। इम्पोर्टेंट टिप्स ध्यान रखिएगा, पालक को ब्लांच करके ठंडे पानी में जरूर निकालिएगा, जिससे कलर आपका वैसा ही पालक का बना रहेगा। चलिए इसकी प्योरी कर लेते हैं। देखिए प्योरी रेडी है। अब इस प्योरी को आप पालक की बहुत सारे पराठे, रोटियां, पूड़ियां सब बनाने में यूज कर सकते हैं। हम यहाँ बना लेंगे स्पेशल पूड़ी। तो इसको छान लिया हमने अच्छे से, देखिए ग्लास में ले लिया है, इतना निकला है। तो जितना जरूरत होगा उतना हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं चावल का आटा, तो यहाँ पे हम 2 कप हम ले रहे हैं चावल का आटा और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे ऑयल, ऑयल हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। अब ये जो प्यूरी है ये हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना नीड है डो बनाने में उतना ही हम ऐड करेंगे और अच्छे से इसको डो बना लेंगे। प्यूरी जितनी हम चाहिए उतनी ही यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करते जाएंगे और उसके बाद डो लगाते जाएंगे, उतना ही यूज करेंगे जितना डो लगाने के लिए जरूरी है। तो 2 कप हमने लिया है चावल का आटा, तो आप ठीक समझे हम बना रहे हैं चावल के आटे की पूड़ियां। तो चावल आपने बहुत खाए होंगे, चावल के आटे की पूड़ियां क्या मस्त बनती है। चलिए आज बने रहिए वीडियो में, आज हम बनाते हैं चावल के आटे की पूड़ियां। तो देखिए प्योरी हम ऐड करते जा रहे हैं और डो बनाते जा रहे हैं, डो में जितना चाहिए उतना ही हम यूज करेंगे। तो सारा हमने यूज कर दिया जितना भी हमने बनाया था। ये देखिए कलर भी आप देख सकते हैं, आप खिल के आता है ग्रीन कलर और ये डो बनकर हमारा रेडी है। इसको रेस्ट करने देते हैं 15-20 मिनट। 15-20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है काफी। देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना आपको,
तो इसी तरह का डो लगाना था हमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, मसाले हम बाद में ऐड कर रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून यानी टोटल 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक। ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ध्यान रखें सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया था। ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सेसमे सीड, 1/4 टीस्पून और ऐड करें, टोटल 1/2 टीस्पून सेसमे सीड्स ऐड कर दिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेसमे सीड्स का जो क्रंच आएगा ना पूरियों में वो बहुत ही मस्त आता है। तो चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। डो को अच्छे से इसके साथ में नीट करेंगे क्योंकि डो को हमने रेस्ट दिया तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको अच्छे से नीट कर दिया, देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब ये पूड़ियां बनने के लिए रेडी है। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से नीट करके और फिर छोटी छोटी गोलियां कट करेंगे और उसके बाद हम इससे बनाएंगे पूड़ियां। तो इसको थोड़ा सा और नीट करना है ताकि मसाले अंदर तक सब में चले जाए। चलिए इसको अच्छे से नीट कर लेते हैं। थोड़ा सा नीट करने के बाद आप देखेंगे कलर कितना खूबसूरत आया है ना, बहुत सुंदर। और स्पिनिच तो वैसे ही बहुत फायदेमंद होता है और जब आप उसको किसी रेसिपी में ऐड करके देते हैं तो बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो चलिए छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं और इन गोलियों से हम बेलेंगे पूड़ी। देखिए इस तरह की छोटी गोली बन गई है। इसी तरह की छोटी छोटी गोलियां बनानी है और हमें बेलनी है पूड़ियां। ये चावल के आटे की है तो पूरी बेलने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी लेकिन आराम से बेल जाएगा। आप चाहें तो कटर से काट के भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं काटेंगे, हम उसको इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से पूड़ियों को हमें बेलना है, ये देखिए इस तरह से। साइड से थोड़ा कटा फटा होता है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहें तो कटर से भी काट सकते हैं। चलिए तेल गर्म कर लिया और इसमें हम ऐड कर देते हैं पूड़ियां। ध्यान रखें तेल पूरा अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल अच्छे से गर्म होता है तभी आप ऐड करें और हाई फ्लेम रखें, हाई फ्लेम पे ही पूड़ियों को आपको फ्राई करना है। देखिए एक साइड से दबा दबा के हम करेंगे तो ये फूल जाएगा, जैसे आमतौर पे आटे की पूड़ियां बनती है ना ठीक वैसे ही ये पूड़ियां बन जाती है। तो इन पूड़ियों को हम फटाफट से बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड अच्छे से सेकना है आपको, बिल्कुल अच्छे से कलर आ जाए तब तक सेकना है। चावल की पूड़ी बहुत क्रिस्पी होती है तो ये मस्त वाली पूड़ियां, क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ियां बनकर रेडी हो जाएगी। इसे आप चाय के साथ, आप इसे किसी भी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो अब आप आटे की पूड़ियों की जगह बनाइए चावल की पूड़ियां और सर्व कीजिए। ब्रेकफास्ट के तौर पे इसे बहुत ही टेस्टी लगता है और ये मसालेदार है तो चाय के साथ तो मस्त वाला टेस्ट आता है। और इसमें जो सेसमे सीड्स है ना वो बहुत ही क्रंची हो जाते हैं जब आप उसको फ्राई करते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। सफेद तिल जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो इसी तरह से सारी पूड़ियों को हमें फ्राई कर लेना है। देखिए हमने साइड्स बिल्कुल कट नहीं किया, आप चाहे तो साइड्स कट कर सकते हैं। साइड्स इसलिए कट नहीं किया है क्योंकि साइड्स जो है वो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, अमेजिंग टेस्टी लगते हैं। चावल का आटा है ना उसमें बाइंडिंग कम होती है इसलिए साइड्स थोड़े से फट जाते हैं, लेकिन वैसा ही वो टेस्टी लगता है, आपको उसको काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यदि आपको लगे थोड़ा सुंदर बनाना है तो आप काट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई कटर यूज कीजिए, उसको काट लीजिए। देखिए इस तरह से सारी पूड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे, गर्मा गर्म चावल की पूड़ियां, मसालेदार पूड़ियां बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए सारी पूड़ियां हम एक एक करके फ्राई करते जा रहे हैं। ध्यान रखें कि ऑयल जो है वो पूरा गर्म होना चाहिए, हाई हीट पे ही आपको फ्राई करना है, लो हीट पे आपको पूड़ियां ऐड नहीं करना है। जैसे आप ऐड करते हैं आप देखेंगे बबल्स आता है बहुत अच्छे से और पूड़ियां अच्छे से फूल जाती है, फूली फूली पूड़ियां बनेंगी चावल के आटे की। तो चावल के आटे की पूड़ियां मस्त वाली क्रिस्पी वाली आप बनाइए और इसे आप स्ट्रेनर पे निकाल दीजिए। उसके बाद जब अच्छे से ऑयल स्ट्रेन हो जाए तो आप इसे पैक करके भी रख सकते हैं और सफर पे जा रहे हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप पैक करके दे सकते हैं। अचार के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप किस तरह से इन पूड़ियों को कंज्यूम कर सकते हैं। ये पूड़ियां बहुत ही टेस्टी है, बहुत डिलिशियस और डिफरेंट है। पालक का जो हेल्दी फैक्टर है वो भी इन पूड़ियों में है, तो जरूर बनाइएगा क्रिस्पी क्रंची टेस्टी डिफरेंट पालक की पूड़ियां। देखिए फुली फुली मसालेदार ये पूड़ियां बनकर रेडी है और इसको स्ट्रेनर पे जरूर निकालिए ताकि ऑयल जो है एक्सेस ऑयल स्ट्रेन हो जाए।
बनाकर देखिएगा, इन पूड़ियों का टेस्ट रियली अमेजिंग होता है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस होता है, और इसे आप चाय के साथ परोसिए, बिल्कुल यमी लग रहा ना, टेस्टी और फुली फुली पूड़ियां देखिए, बिल्कुल पालक का मजा देने वाली है ये पूड़ियां, और बहुत यमी है, बहुत यमी। और तो हम आपको क्या बताएं, बना ही लीजिए इसको और बनाकर बताइएगा आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। हेल्दी है, टेस्टी है, डिलीशियस है, क्रंची है, क्रिस्पी है, कैसी है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, देखिए अंदर से कितनी यमी है ना। तो ये कलर वाली पूड़ियां जरूर बनाइए जिसमें पालक का कलर है, हेल्दी है, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा, यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं चुपके चुपके मत जाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन, स्वाद का जादू, याद रखिएगा, फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चलें बनाते हैं और नए प्रोग्राम और लाते हैं और नई रेसिपीज आपके लिए, आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज और जगाते रहें स्वाद का जादू।